Hey guys, welcome back once again on Filmy Hands. So आज एक बहुत ही स्पेशल मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। इस मूवी इतनी स्पेशल है क्योंकि जब आप इस मूवी को देखोगे ना तब आपके होश उड़ जाएंगे। ये मूवी जो है एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है। सो जिन लोगों को नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्री मूवी क्या होती है उनको मैं बताना चाहूँगा कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी तो आपने सुना होगा, बहुत सारी मूवी है उसमें से बेस्ड ऑन हटा दो तो जो बचता है ऑन ट्रू स्टोरी, उस पर जो मूवी बनती है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री मूवीज। सो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन फर्स्ट, जब आप नींद में से उठते हो सुबह सुबह तो सबसे पहले आप क्या हाथ में लेते हो, मोबाइल या फिर ब्रश? अगर आपका आंसर है मोबाइल तो ये वीडियो आपके लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट स्टार्ट। सो नेटफ्लिक्स पर लेटेस्ट एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है सोशल डिलेमा, जो कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनकी इसकी सच्चाई पर बेस्ड है। सो सिर्फ 1 hour 30 minutes यानी 1.5 घंटे की मूवी है। तो इस मूवी में कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है कि जो मैं आपको एक प्रॉपर वे में बताऊँ। जस्ट जो लोग होते हैं जिन्होंने भी सोशल मीडिया बनाया है वो उसकी रियलिटी एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा इस मूवी में है। फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू गाइड्स। सो इस मूवी में एक सेंटेंस है जो मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी। सो सेंटेंस ये है कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। देखो हम सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट और भी बहुत सारे, हम कोई भी फीस पे नहीं करते। सो हाउ दे आर गोइंग टू अर्न मनी, आवर अटेंशन इज देयर ओनली की टू अर्न मनी। They want us more on their websites and on their platform. अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मेरे Instagram मेरा 2-3 घंटे का एवरेज है डेली, और YouTube भी 2-3 घंटे का मेरा डेली एवरेज है। आपका कितना है तो कमेंट में बताना मुझे। और हम सोशल मीडिया में इतना यू नो इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतना घुस चुके हैं कि जब हमें कोई हमारी फ़ोटो को लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता, यू नो जब कम लाइक्स आते हैं या सब्सक्राइब नहीं करता तो एक डिप्रेशन सा आ जाता है। सो इतना हमने उसको अपने ऊपर हावी कर लिया है, जबकि हालांकि उसकी रियलिटी में कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर नहीं है तो वो अलग बात है, उसको तो लाइक्स और सब्सक्राइबर से ही पैसे मिलते हैं। एक नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो यू नो यूट्यूब वालों ने हमें, ये सोशल मीडिया वालों ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि जिसपे से हमारे जो एक्टिविटीज़ है, चाहे हम जिस पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, किस तरह का पोस्ट हम देखते हैं, कंटेंट हम देखते हैं, उसको वो जो प्रोग्राम है वो खुद ही सीखता है कि इस बंदे को किस तरह के प्रोग्राम्स पसंद है, किस तरह की चीज़ों में इसको इंटरेस्ट है, और वो उसी तरह का कंटेंट आपको आपके सामने पेश करते रहता है। आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे क्या होता है कि अगर आपको आपके पसंद का कंटेंट जब मिलेगा तो आप उसको उतना ही ज़्यादा देखोगे, उतना ही ज़्यादा उनके प्लेटफॉर्म पर इन्वॉल्व होगे, इससे कि उनको ज़्यादा ऐड दिखाने का आपको मौका मिलेगा और इससे कि उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना। और तो और जब आप इवन गूगल पे जब सर्च करते हैं कुछ भी, समझो हाउ टू मेक, उसके नीचे जो सजेशंस आते हैं केक, बिस्किट, पास्ता और भी बहुत कुछ, तो ये कहाँ से आते हैं? YouTube आपकी सर्च हिस्ट्री कलेक्ट करता है, आपका लोकेशन जितने भी उसके यूजर्स हैं उन सब का लोकेशंस यूज करके उसको पता है कि इसके आगे बंदा ये क्या सर्च कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो आगे रिकमेंडेशंस आपको देता है। सो यू नो पहले के ज़माने के मैजिशियंस होते थे जो अपने जेब से कुछ भी निकालते थे, या फिर पिंजरे से कबूतर निकालते थे। तो ये सब वो कैसा करते हैं, वो रियल में एक बैक प्लानिंग रहती थी उनकी, वो सिर्फ लोगों के माइंड से खेलते थे, राइट। तो आज के ज़माने के जो सोशल मीडिया है वो किसी मैजिशियन से कम नहीं है, वो भी हमारे इमोशन से, हमारे माइंड से खेलते हैं कि हाउ वी गेट मोर ऑफ दैट पर्सनल डेटा एंड हाउ वी कैन इंगेज हिम मोर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सो दैट्स देयर मोटो। सो दे आर लाइक टूडेज मैजिशियंस। जब वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं तो आपको एक
वो चाहे तो आपको एक एक्सट्रीमिस्ट भी बना सकते हैं, किसी का सपोर्टर भी बना सकते हैं, और किसी को आई मीन हेट भी पैदा कर सकते हैं। जैसे कि आपने लेटेस्ट यूएस के इलेक्शन में भी देखा होगा कि बहुत से लोगों का कहना है कि वो एक यू नो ब्रेन वॉश था वो इलेक्शन के पीछे लोगों का, ट्रंप ने किया था और वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो एक ये तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ऐसा वैसे बहुत सारे कंट्रीज में देखा गया है कि इलेक्शंस का या फिर बहुत से चीज़ों में एक माइंड वॉश ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों का एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ या फिर इंसान की तरफ। तो इससे क्या होता है कि एक कंट्री में सिविल वॉर सी सिचुएशन क्रिएट होती है, आपस में ही झगड़े, यू नो कि दो दोस्तों में कभी कभी झगड़े होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी को या फिर आदमी को सपोर्ट करता है और वो कोई और नहीं करता, तो जस्ट बिकॉज कि उसका ब्रेन वॉश हुआ है तो इसकी वजह से वो उस तरह की पोस्ट डाले देखता है तो उसका ब्रेन वॉश होता है और वो फिर एक सिविल वॉर सी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और एक आई मीन वो डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि ट्विटर पर जो है फेक न्यूज़ एक 6 टाइम फास्ट स्प्रेड होती है एज कम्पेयर टू द रियल न्यूज़ चैनल्स, उससे ज़्यादा वैसा तो उन्होंने उनका ऑफिशियल्स नंबर ये, लेकिन आई थिंक हमारी व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी कुछ कम नहीं है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना के कितने सारे हमने फेक न्यूज़ पढ़े कि गौमूत्र से कोरोना ठीक होता है और कोरोना की ये दवाई निकली, रशिया ने यह दवाई बना दी है, इसने बना दी, उसने बना दी, बहुत सारे फेक न्यूज़ बाय द वे रशिया ने बनाई है, तो और भी बहुत सारे फेक न्यूज़ हमने सुने थे। सो फेक न्यूज़ का हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से फेक न्यूज़ कितना फास्ट स्प्रेड होता है। दे क्रिएटेड अ सिस्टम विच इज बायस टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स अ फेक न्यूज़। अब वो जो AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको तो पता नहीं होता कि भाई ये न्यूज़ ट्रू है या नहीं है, उसको सिर्फ रेशो देखता है कि भाई लाइक डिसलाइक ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो वो तो एक उसको खुद का दिमाग नहीं है कि वो इसको वेरीफाई करके ये क्या सच है और क्या नहीं है। दिस फॉल्स इंफॉर्मेशन या फेक न्यूज़ अर्न देयर मोर प्रॉफिट एज कम्पेयर टू द ट्रूथ, बिकॉज हु इज इंटरेस्टिंग लिसनिंग द ट्रूथ लाइक आवर टूडेज मीडिया, नो वन शोइंग ट्रू न्यूज़, नो वन शोइंग रियल इशूज, एवरी वन इज फेक। यू नो मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी टर्मिनेटर 2 जब व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, तो उसमें बताया गया है कि जो फ्यूचरिस्टिक मूवी है साइफाई, तो उसमें 2020-2025 का पीरियड बताया गया है और उसमें सब बताया है कि एक मशीन्स जो है इंसानों को कंट्रोल करती है, मारती है। लेकिन जब मैंने वो मूवी देखी तो आई थॉट या हाउ इज़ दिस पॉसिबल, लेकिन अगर हम आज देखें तो वी आर नॉट फार फ्रॉम दैट रियलिटी। जब इन लोगों ने सोशल मीडिया बनाए थे तब इनका इंटेंशन कुछ अलग था, कुछ पर्पज आ रहा था, दे मेड सोशल मीडिया टू कनेक्ट अस, बट नाउ देयर पर्पज हैज चेंज, देयर इंटेंशन इज चेंज, नाउ दे आर कंट्रोलिंग अस। यू नो दुनिया में सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज है जो अपने कस्टमर्स को यूजर्स बुलाती है, एक ऑब्वियसली टेक इंडस्ट्री लॉग इन एज यूज़र, दूसरा वही जो आप अभी टीवी पर देखते हो रिया दीपिका वाला मामला, ड्रग इंडस्ट्री, सिर्फ यही 2 इंडस्ट्री है जो अपने कस्टमर्स को यूजर्स बुलाती है। सोशल मीडिया इज नाउ लाइक अ ड्रग्स, पर एक बात, ड्रग डीलर कभी ड्रग्स नहीं लेता, और ऐसा नहीं कि इसके सिर्फ बैड इफेक्ट्स ही है, पॉजिटिव साइड्स भी है सोशल मीडिया के, जैसे कि ऊबर हो गया, हम कभी भी किसी भी गाड़ी को कहीं पर भी हम बुला सकते हैं, स्विगी हो गया खाना खाने के लिए, और फिर यू नो फेसबुक पे एक फंक्शन है ब्लड डोनेशन का, वो भी एक पॉजिटिव साइड में आता है। सो या पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव कम निगेटिव कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आजकल। तो आई विल नॉट से आई विल रिकमेंडेड यू टू वॉच दिस मूवी, इंस्टेड ऑफ दैट विल से डू योर सेल्फ अ फेवर एंड गो वॉच इट। और बात करो रेटिंग की तो आई विल गिव इट 10 out of 10, मैं यूं ही किसी मूवी को आउट ऑफ रेटिंग नहीं देता, लेकिन ये मूवी है इतनी अच्छी कि आई एम गिविंग इट 10 out of 10 रेटिंग। दिस डॉक्यूमेंट्री विल परफेक्टली ब्लो योर माइंड, और वो जो बोलने वाले हो मेरी तरह ऐसे ही कोई भी आम आदमी नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने ये सोशल मीडिया बनाया है, तो उनके मुंह से वो सुनने में आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा रदर देन माई 5-10 minutes ऑफ वीडियो। सो गो एंड वॉच इट। और यू नो वी आर ऑल लाइक nowadays एक लैब रैट होता है ना जिसपे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वी आर लाइक दैट, वी आर लाइक
zombies. They want us more and more to stare at a screen. Yeah, that's their intention nowadays. So let me ask you a final question. Final question. How do you wake up from the matrix when you don't know you are in the matrix? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बताना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, आपको सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ बेल बटन भी क्लिक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो।